17 सूत्री मांगों के समर्थन में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी GDS RMS व पेंशनर संघ के द्वारा 2 दिवसीय हड़ताल आहूत की गई। वहीं हड़ताल के पहले दिन प्रधान डाकघर के मुख्य द्वार पर उपस्थित होकर विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। वहीं हड़ताल के कारण आम दिनों की तुलना में वित्तीय कारोबार में काफी असर देखा गया। मौके पर अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी के डिवीजन सचिव संजय कुमार सिंह ने कहा कि भारत सरकार के कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में पूरे देश में डाक कर्मियों ने 2 दिवसीय हड़ताल को आहूत किया है। वहीं बताया गया कि सरकार नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुराने पेंशन को लागू करने, निजीकरण पर रोक, फ्रेंचाइजी खोलने पर रोक लगाने, खाली पड़े सभी पदों पर अविलंब बहाली के मांगों के समर्थन में गिरिडीह मंडल के अंतर्गत सभी डाकघरों में हड़ताल किया गया है। मौके पर अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी गिरिडीह मंडल के जिया दशरथ प्रसाद, संजीवन दास, सुरेंद्र ठाकुर, भीम रविदास, वंशीधर यादव, विपिन कुमार व पेंशनर संघ के नवीन कुमार सिन्हा समेत काफी संख्या में डाक कर्मचारी शामिल हुए। हड़ताल 28 और 29 का, उसमें डिमांड है नई पेंशन स्कीम को बंद किया जाए, पुराना पेंशन स्कीम को लागू किया जाए और नए पद जो खाली पड़े हुए हैं पद को भर्ती किया जाए और निजीकरण को इतना जल्दी हो बंद किया जाए, DA को 18 महीना जो बंद है उसको रिलीज किया जाए और बहुत सारे ऐसे महंगाई पर रोक लगाया जाए। डीजल अच्छी महंगाई हो रही है, इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, हम लोग कर्मचारी पर क्रश कर रही है ये सरकार, इसको इमीडिएट बंद करना चाहिए, तानाशाही सरकार को ये चल रही है, ये सरकार तानाशाही सरकार है और जो चाह रही है वो प्रॉफिट में जो सरकार ऐसी कंपनी चल रही है उसको भी ये निजीकरण की ओर ले जा रही है। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है, डिविजनल सेक्रेटरी अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ वर्ग सी।